हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शाही पनीर और इसे हम बिल्कुल ही इजी वे में हम बनाएंगे। मगर रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, साथ ही हम ऐड करेंगे दो रफली चॉप करे हुए प्याज है, 3 से 4 टमाटर ले रही हूँ, 2 हरी मिर्च ली है, 1 अदरक का टुकड़ा ले रहे हैं, साथ ही ऐड करूँगी 2 से 3 लहसुन की कलियाँ और ये काजू टुकड़ा हमने लिया है, साथ ही हम ऐड करेंगे नमक और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये देखिए, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसे हम पकने देंगे 10 से 12 मिनट। और ये 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैंने ऐड की 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और इसे हम फिर से पकने देंगे 5 से 7 मिनट और ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद ये हमारी बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है टमाटर और ये जो हमने ग्रेवी के लिए, और इसे अब हम शिफ्ट करेंगे एक ब्लेंडिंग जार में और एक इसका फाइन हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, अब एक कढ़ाई लेंगे, इसे हम गरम होने देंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे हल्का सा हम गरम करेंगे और ये देखिए ये गरम हो चुकी है और इसे निकालेंगे हम एक बोल में और ये देखिए ये कितने अच्छे से मैश हो रही है। और अब ये कढ़ाई हम रखेंगे गरम होने के लिए, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, मैं ऐड कर रही हूँ, और अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी ले सकते हो, मैंने देसी घी ऐड किया है। घी हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता, साथ ही ज़ीरा ऐड कर रहे हैं और ये जो ग्रेवी हमने बनाई थी इसे हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच देगी मिर्च, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं अमूल फ्रेश क्रीम हमने ऐड करी है इसमें, सॉरी अमूल क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, फ्रेश क्रीम नहीं थी ये। और 5 मिनट के बाद ये देखिए ये तैयार हो चुका है, इसमें मैंने ऐड किया चीनी, कसूरी मेथी और ये होममेड गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, इसे मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो और इसे हम निकालेंगे सर्विंग बोल में। ये देखिए इसे गार्निश करेंगे कसूरी मेथी और क्रीम के साथ
आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।